हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रिकी एजुकेशन। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में ओल्ड फाइलम के इम्पोर्टेंट एग्जांपल याद करने के लिए हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लाए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिक। फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजुआ, तो उसकी ट्रिक देख लेते हैं। PEPE, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि फाइलम प्रोटोजोआ में डबल पी और डबल ई आते हैं। फर्स्ट पी से पैरामीथियम हो जाएगा और सेकंड पी से प्लाज्मोडियम हो जाएगा। फर्स्ट ई से एंटोमीबा और सेकंड ई से युगलीना। आपको पता है कि युगलीना जब हम लिखते हैं तो वो ई से लिखा जाता है। सेकेंड फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, और इसकी बहुत ही फनी ट्रिक है LWSS। एल मीन्स आप यहाँ पे लव से ले सकते हैं, लव यू एस। जब किसी को बहुत सारा प्यार कर रहे हो तो W और डबल एस, LUUSS। सिर्फ इतना याद रखना है, लव यू एस, शॉर्ट में लव यू एस। और जब हम किसी को ज्यादा प्यार करते हैं तो W और डबल, उसका नाम भी डबल और यू भी डबल। जब हम इन ट्रिक से कोरिलेट करेंगे तो फर्स्ट एल से हो जाएगा ल्यूकोसोलेनिया, फिर यू से हमारा हो जाएगा यूस्पंजिया। यूस्पंजिया को बात स्पंज भी कहते हैं, और सेकंड यू से हो जाएगा हमारा यूप्लेक्टिला। आपको पता है कि यूप्लेक्टिला को वीनस फूलों की टोकरी भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत सुंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट है एस, एस फॉर साइकन। साइकन का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि साइकन में एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्टेज होती है। और लास्ट है स्पंज। फाइलम पोरीफेरा में जितने भी जीव होते हैं उन सबको स्पंज बोला जाता है, और इनकी सबकी बॉडी में पोर्स होते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा। तो आइए फाइलम निडेरिया की ट्रिक देख लेते हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि जो निडेरिया होते हैं उन्हें सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, और निडेरियन प्राणी या फिर सिलेंट्रेट में बहुरूपता पाई जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो और कोई आपसे पूछे कि निडेरिया में बहुरूपता पाई जाती है क्या, तो आप क्या कहोगे गुस्से में क्या आंसर दोगे? कि भाई तू कहीं का पीएम है क्या जो हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? ओ हाँ पीएम, ओ हाँ, क्योंकि पाई तो जाती ही है, तो आप कहोगे ओ हाँ पीएम। बस यही इसकी ट्रिक है। ओ से हो जाएगा ओबिलिया। ओबिलिया को समुद्री फर या सी फर भी बोलते हैं। एच से हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा आपको पता होगा कि हाइड्रा सबसे छोटा पॉलिप होता है, जो संग सिलेंट्रेट के पानी होते हैं ये पॉलिप अवस्था में भी पाए जाते हैं। ए हो जाएगा ओरिलिया। ओरिलिया से मतलब जेलीफिश। पी से पेनाट्यूला, इसे समुद्री कलम भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कौन से जीव को समुद्री कलम कहते हैं, तो आंसर होगा पी पेनाट्यूला। नेक्स्ट हो जाएगा एम से मैट्रिडियम, जिसे समुद्री एनिमोन कहते हैं। तो हो गई ना मजेदार ट्रिक। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है फाइसेलिया, और इसे पुर्तगाली सिपाही कहते हैं, क्योंकि देखने में भी किसी लड़ाकू विमान की तरह से होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।